देखो आज मैं शुरू से काट के बताता हूँ, एक छोटा बक्सा आपको कैसे बनता है काट के, ठीक है, पूरा मेजरमेंट के साथ। जितना बड़ा आपको बनाना है, एक अनुमान ले लो आप, मान लो कि 8 इंची का भी बना रहा हूँ एक बक्सा, 8 बाई 10 का, ठीक है, ऊंचा 4 रहेगा, 4 इंच रहेगा, छोटा बक्सा बनाता हूँ ढक्कन वाला जिसमें ढक्कन रहेगा। देखो 8 इंची लंबा काट लिया, 8 बाई 8 का एक टुकड़ा काटा मैं, देखो 8 इंच लंबा 8 इंच चौड़ा काट लिया, फिर बीच में नापेगा, बीच में नाप करके उसको 4 कर लोगे, मतलब 20 से 2 भाग करना है। ये 20 से 2 भाग करने के लिए 4 इंच बीच में नाप दिया और बीच में लिख दिया उसको, ठीक है, बीच में इस तरह लिख दिया और आप काट के निकाल दो उसको, ठीक है, ठीक है, इस तरह काट के निकाल दिया। अब 4 8 बाई 8 का टुकड़ा, उसको 20 से काट दिया तो कितना हो गया, ये 4 बाई 8 का, यानी 4 इंच ऊंचा, ये 4 इंच ऊंचा है और 8 इंची चौड़ा है, ठीक है, तो उसका कोना काट दिया। कोना काटने के बाद लपेट होगा, ये देखो इस तरह लपेट लेना है बक्से को, मुड़ाई जो मुड़ेगा बक्सा, देखो इस तरह लपेट ले लेना है दोनों साइड बराबर से, और उसको इस तरह अभी पता चल जाएगा सब आपको। अभी क्या है कि बहुत सा चीज़ पता नहीं चलता होगा, लेकिन क्या दी पूरा देखो वो सब समझ में आ जाएगा कैसे बनेगा, ठीक है। ये लपेट ले लिया, लपेट लिख देने के बाद 10 इंची बक्से की लंबाई है, वो 10 इंची अभी काट रहा हूँ फिलहाल, एक अंदाज है, जितना बनाना होगा आप बना सकते हो, 10 बनाओ, 15 बनाओ, 12 बनाओ, ये आपकी मर्जी के ऊपर में है। तो ऐसे ही मैं दिखा दे रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए कि कटिंग होती कैसे, ठीक है। उसको काट लिया, ठीक है, लिख देने के बाद में ये 10 हो गया और बाकी लपेट हो गया, 10 इंची हो गया इसका ये लंबाई और बाकी ये लपेट हो गया। इसको इस तरह काट के निकाल दो, ठीक है, ये हो गया कटिंग। अब मुड़ाई की जगह बनानी है हमको, ठीक है, उसको साइड करो और मुड़ाई की जगह, इसमें तार भी अंदर डालना पड़ता है मजबूती के लिए, तो तार के लिए जगह बनाना पड़ता है। दोनों को साथ में एक साथ मिला करके काट दो, कई चीज़ आसानी से कट जाती है, उतनी मोटी पतली नहीं है, ये पतला ही प्लेट है, ठीक है, 40 mm का सीट है, 40 भी 35 mm का सीट है, ठीक है। देखो इस तरह चौकोरिया, जहाँ से चौकोर होगा उधर इस तरह निशान दे के जो काटना है, देखो ये अभी आपको समझ में आ जाएगा सब, आगे चल के आप देखो सब समझ में आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल आसान तरीका बता रहा हूँ, छोटे बच्चे को समझ में आ जाएगा, पूरा देख लेगा तो छोटा बच्चा भी बनाएगा, ठीक है। देखो इस तरह जहाँ जहाँ से जैसा निशान दिया उसको चारों साइड वैसे ही निशान देना है, ये देखो। अब कुछ नहीं समझ में आया तो मेरे भाई कमेंट है, कमेंट करके पूछ लेना, कमेंट में बता देता हूँ, जब देखता हूँ तो बता ही देता हूँ, और अगर नहीं देखा तो अलग बात है भाई, माफ़ कर देना उसके लिए, ठीक है। देखो इस तरह काट के निकाल देना, ठीक है, और जो 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 छोटे वाले दो काटा हो ना, वो देखो यहाँ साइड से जो काट के निकालना है, ये कब्जा है, यानी कब्जा जो साइड में लगेगा जहाँ पर ये बक्सा का ढक्कन खुलेगा, उधर इस तरह काट के अलग कर देना है मेरे भाई, ठीक है। देखो इस तरह काट के अलग कर देना है, और देखो ये चारों साइड का हो गया। अभी बेंडिंग जब होगा तब समझ जाओगे किस तरह होगा काम, पूरा समझ जाओगे आप खेल। देखो अब तार भरने का जगह सबसे पहले बनाना, जिसके अंदर जो तार भराएगा, छोटा पतला रड एक तो डालते हैं इसमें रॉड, उसको डालने का जगह पहले बनाना, तो इस तरह तार का जगह बना दिया, दोनों साइड तार का जगह बना दिया। कब्जा तो एक ही साइड रहता है, ठीक है, तार दोनों साइड हल्का हल्का भरना पड़ता है, ठीक है मेरे भाई। अब देखो इसको इस तरह मोड़ देना है, ये जो जगह बना रहा हूँ ये लॉक करने की जगह, इसको बोलते हैं फंदा, जहाँ पर ये फंदा लगाते हैं, यानी जोड़ होता है जिधर, उसका जगह ये बना रहा हूँ। एक सूता मुड़ेगा और ये तार का जगह है, तार में डबल मुड़ता है, देखो एक फोल्ड हुआ दूसरा फोल्ड, ये तार का है, देखो एक फोल्ड हुआ ये दूसरा फोल्ड, ठीक है, और जो इसके पीछे जो मुड़ा है उल्टे साइड में, वो फंदा का जगह है, ठीक है। इसको देखो फंदा का जो जगह है उसको प्लेन कर देता हूँ मैं, ठीक है, किसी भी लोगों के पत्र एंगल फेंगल जो भी मिले आपको उसमें मोड़ सकते हो, कोई भारी काम नहीं है, ठीक है। अब देखो तार का जगह जो है ना इस तरह मोड़ देने का है,
कि इसका अंदर तार घुस सके। जगह गेप छोड़ना है इसलिए पूरा पिटना नहीं है। देखो इसका साइड में इस तरह मोड़ दोगे। देखो थोड़ा बहुत तो काम जानना जरूरी है मेरे भाई, है ना। अब बिल्कुल एक जो हथौड़ी तक का नहीं चलाने जानेगा वो तो बनाना उसके लिए मुश्किल पड़ेगा, लेकिन जो थोड़ा बहुत भी जानता होगा हथौड़ी चलाना वो बिल्कुल बना लेगा, कोई इसमें बड़ी बात है नहीं। ठीक है, देखो इस तरह तो पतरे को चदरे जो थोड़ा मोटा चदरे को रख करके इस तरह पीट देना है उसको। इसको इसलिए रख के पीटा जा रहा है कि उसके अंदर अभी घुसा करके पीटूंगा फंदा। ठीक है, तो इस तरह उसको पीट देना, अभी समझ में आ जाएगा मेरे भाई। इसको रख के पीटना, थोड़ा गेप रहेगा, पूरा सटेगा नहीं। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा गेप रह गया। अब इस तरह तार का जगह को भर देना है, इस तरह भर देना है, देखो। ठीक है, अब देखो आप समझ जाओगे पूरा खेल, पूरा खेल अब समझ में आ जाएगा। देखो इस तरह पीट दिया साइड साइड में गिरा दिया, कोरी इसको बोलते हैं, कोरी गिरा दिया। ठीक है, हमारी जवान में कोरी, देखो इसमें से निशान बना करके इस तरह बेंड कर दिया, ये निशान बना के इस तरह बेंड कर दिया। अब इसको ए हाथ से मोड़ दिया, बस। देखो समझ में आ गई, बिल्कुल समझ में, एकदम हो गया। अभी ये डिब्बा बन गया। बहुत से मेरे भाई पूछ रहे थे कि कूलर का जो टंकी बनता है, टंकी इसी तरह बनता है मेरे भाई, लेकिन जो तार है वो बाहर साइड में रहता है, इसका अंदर साइड है, उसका बाहर साइड। ये देखो ये रड है, छोटा पतला रड, देखो इस तरह इसके अंदर घुसा देने का है। ये हो गया कब्जा, आधे ही रड घुसता है भाई एक साइड में, देखो इतनी ही घुसेगा, पूरा रड नहीं घुसता है। ठीक है, इस तरह फंसाया। अब देखो ये घुस गया, अब समझ में आ गया होगा आपको। बस उसको पीछे सपोर्ट लाग लगा करके कोई लोहे से उसको इस तरह लॉक को पूरा बंद कर देना है। पूरा लॉक हो गया ये, अभी पूरा लॉक हो गया मेरे भाई। ठीक है, चारों तरफ से लॉक कर दिया। पीछे मुँह लोहा रख के मारने से क्या है कि वो एकदम लॉक हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, देखो इधर भी तार डाला, जिधर जो कब्जा है उधर थोड़ा लंबा तार डालने का है, और जहाँ कब्जा नहीं है वहाँ छोटा तार भी डालने चलेगा। ठीक है, उसके बाद मेरे भाई ये करना कि इस तरह बस करते जाना। ठीक है, इस तरह पूरा लॉक कर देना। देखो पतरे, ये जो चदरे हैं इसके बहुत चीज़ बनते हैं, मैं आपको बहुत सी चीज़ बताऊंगा, हर चीज़ तो मैं बनाता हूँ, खिड़की दरवाज़ा सब इसी से बनाता हूँ। देखो ये तैयार हो गया डिब्बा, मतलब देखो जो टंकी जो होता है ना कूलर का, जो टंकी नीचे का होता है जिसमें पानी रखते हैं, वो भी इसी तरह बनता है। बस उसमें क्या है कि स्टील पुटिंग लगा देने से पानी लीक नहीं होता है, और वो कम से कम आपका 10 साल तो चली जाएगा। वो भी मैं आपको बना के बताऊँगा, अभी कुछ दिन के बाद जो है वो भी बना के दिखाऊँ। देखो अभी ढक्कन बना देता हूँ इसका, पहले ढक्कन बता देता हूँ आपको। ढक्कन जो है उसको पहले ऊपर से नाप लेना है बक्सा को, और नाप लेने के बाद सब जो जितना बक्सा रहेगा उसे एक एक इंची बड़ा काटना है भाई, चारों साइड से एक एक इंची बड़ा रहेगा। जितना डिब्बा आपका डिब्बा है वो उससे एक एक इंची चारों साइड से बड़ा काटना है। ठीक है, उसके बाद देखो इस तरह काट के निकाल लिया, देखो ये कट गया, फेंको इसको। अब देखो ये एक एक इंची बड़ा है चारों साइड से। ठीक है, पूरा कटिंग बता रहा हूँ मेरे भाई। एक निशान मारने के लिए इस तरह बना लेने का, एक एक इंची का इस तरह निशान बन जाएगा। उस पर दिख नहीं रहा क्योंकि जो मोबाइल पे उतना रिकॉर्डिंग अच्छा तो आएगा नहीं मेरे भाई, तो इसलिए बस इसी तरह देखो बना के एक एक इंची बड़ा करके दिखा दे रहा हूँ। DSLR रहेगा तो पूरा क्लियर बताऊंगा, लेकिन अभी क्या है कि फ़िलहाल इसी से काम चलाओ, समझने वाले के लिए तो इशारे ही काफ़ी होता है। ठीक है, देखो इस तरह निशान मार देना है, बस देखो कटिंग समझ जाओगे तो हो गया काम, और क्या, कारीगर बन जाओगे। मेन तो कटिंग है इसका, बाकी सब काम तो आसान है। देखो इस तरह काट के निकाल देना, देखो दिख रहा है, तो इस तरह काट के निकाल देना है, और हाँ इस तरह देखो ऊपर से एक सूता और बाकी जो बचेगा इस तरह टेढ़ा काट देना है। वो अभी मुड़ेगा जब आप सब समझ जाओगे इसका। ठीक है, खिड़की दरवाज़ा सब कुछ इसमें मैं बना देता हूँ। ठीक है, इसका तो पूरा घर भी मैं टीन के बना दिया हूँ, आपको दिखाऊंगा।
टीन का पूरा घर भी तैयार है अपने पास। ठीक है, अब देखो जब मुड़ेगा तब आपको सब समझ जाओगे। ऊंचा थोड़ा बड़ा देख लेना, अगर बड़ा होगा तो काट के निकाल देना, हो गया काम खत्म। अब देखो इसका मुड़ाई जब होगा तो अब आप सब समझ जाओगे खेल। ठीक है, देखो आगे पहले मोड़ देना है इस तरह, बस 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 इस तरह मोड़ देना, एक एक सूता सब चारों तरफ से, एक एक सूता मोड़ देना, चारों तरफ से एक एक सूता मोड़ देना। जिस तरह मोड़ रहा है बार बार देख लेना, नहीं समझ में आएगा देख करके मोड़ लेना बार बार, कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई कन्फ्यूजन होगा तो मैं मुझे कमेंट कर देना, बताऊंगा टाइम मिलेगा तो दोस्त। ठीक है, देखो इस तरह, ये बिल्कुल इस तरह, थोड़ा थोड़ा छोड़ देना आगे में, देख इस तरह मोड़ देना और आगे में थोड़ा थोड़ा छोड़ देना, जहाँ पर वो जहाँ छोड़ा गया है थोड़ा नहीं पीटा वहाँ पर ही उसको फंसाने के लिए छोड़ा हो। देखो बस बस इधर, बस देखो इस थोड़ा ऊंचा रख करके बस देखो इस तरह उठा देना है। वो जो लोहा है इसी इस लोहे को एक वाई बोलते हैं हम लोग, एक वाई बोलते हैं। ठीक है, तो इसको इस तरह देखो इस तरह रख के जो गेपिंग जो छोड़ा था थोड़ा नहीं पीटा था वहाँ अब पीटना है इसको। उस निकले हुए जो जगह को मैंने काटा था उसको इस तरह मिला के पीट देना, तो अब वो लॉक हो गया, अब वो निकलेगा नहीं। देखो इस तरह मिला के पीट दिया, समझ गए? ठीक है, दो दो बार देखो, तीन बार देखो, समझ जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देखते रहो। बस देखो ये हो गया ढक्कन तैयार। ठीक है, अब इसको लगाना है कब्जा। कब्जा भी लगाना कोई बहुत बड़ा कलाकारी की बात नहीं है, बस को सेट कर दिया थोड़ा थोड़ा, छोटा बड़ा अगर हो तो सेट कर दो, ढक्कन लगा के देख लो परफेक्ट आ रहा है। उसके बाद क्या करना है कि बस दो एक टुकड़ा लेना है, पत्ती छोटी पत्ती लेनी है। ठीक है, इसका मैं बहुत कुछ बताऊंगा अभी, इसी जीआई प्लेट का बहुत कुछ बताऊंगा आपको बनाने के लिए, कूलर का बॉडी, कूलर का टंकी, सब चीज़ बनाऊंगा। अभी क्या है कि वो इधर क्या है, हम लोग के यहाँ सीजन वाला चल नहीं रहा है इसलिए बनाने का मौका नहीं मिल रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा धार मार देना टाइटनेस के लिए, पीछे रुकेगा बक्सा। अब देखो एक पतला टुकड़ा निकालना है इस तरह, देखो इस तरह पतला टुकड़ा दो निकालना है इसको। अब ये बनेगा कब्जा, देखो ये बन गया कब्जा। ठीक है, इसको बीच से मोड़ देना, बराबर करके काट के निकाल देना, कोना काट देना और उसके अंदर इस तरह डाल देना दोनों को। ये हो गया कब्जा का जगह, उस पर अब रिपीट मारने से वो ढक्कन खुलेगा, बंद होगा एकदम एक्यूरेट। ठीक है, सड़सी से इसको दबा देना चिमटा से और इस तरह घुमा के रख देना। एक निशान बना लेना पूरा नाप के, ढक्कन के साइड का एक निशान बना लेना। उसके बाद देखो इस तरह नाप लेना निशान से, जो निशान बनाया था बक्से का साइज का उसको इस तरह नाप के नीचे एक रिपीट रख देना और रिपीट को इस तरह निकाल लेना। ठीक है, समझ गया? उसके बाद दोनों रिपीट को मार देना कस के, लोहा रिपीट लगता है, गुलसुम रिपीट हथौड़ी के साथ। हमारे पास तो जुगाड़ है भाई, आप देख लेना अपना। अब देखो लॉक लगाने बता देता हूँ, लॉक के लिए स्केच पेन उसको पहले रख के स्केच पेन से लिख देना भाई, ब्लैक स्केच पेन से। और देखो ये हम लोग का जुगाड़ है, इसमें दबा करके होल्ड कर दिया,
और इधर जो लगती है वो रिपीट है एल्युमिनियम की, एल्युमिनियम की रिपीट है मेरे भाई, उससे लगाते हैं ये लॉक, समझे। बस एल्युमिनियम पीट इधर लगाना हुआ है और इधर रख के ठोक देना। ये ऊपर का लग गया, अब नीचे का लगाने के लिए देखो इस तरह नीचे का भी छोटी है थोड़ी से ठोकना। एल्युमिनियम जो रिपीट होती है वो थोड़ा नरम होती है तो उसको ठोकने में परेशानी कम होती है, बाकी मजबूत तो वो भी होती है। ये हो गया लॉक लग गया, अब इसको पकड़ने के लिए एक हैंडल लगा देता हूँ। उसके लिए बस हैंडल को रखना है और जिधर रिपीट लगेंगे उधर निशान रख के स्केच पेन से निशान मार देना और खोल करके बस उसी तरह होल करके होल कर देना, होल करके हैंडल फिट कर देना, ठीक है। उसको बस मार देना है, रिपीट लग गया। बाकी अगर कुछ जानना है तो भाई कमेंट करके बता सकते हो, आप लोग कमेंट कर दो, कमेंट में बताऊंगा जब भी टाइम मिलेगा बनाऊंगा वीडियो, ठीक है। सब्सक्राइब करके रखे रहना, जब भी कोई वीडियो यहाँ से अपलोड करूंगा तो आपको पता चल जाएगा घर के दरवाजे कैसे बनते सस्ते में, 300 रुपये 400 रुपये में बेहतरीन दरवाजे बना दूंगा डिफेक्टेड सीट के, समझ गया ना। कल 2-3 दिन के बाद एक वीडियो डालूंगा जिसपे जो चदरे के क्या क्या सामान बनते हैं मैं सब चीज़ दिखाऊंगा उस पर, ठीक है ना, एकदम सस्ता में काम हो जाए बस, और मजबूत भी बहुत रहते हैं मेरे भाई। आप सब्सक्राइब करके रखे रहो, देखो ये हो गया, ये हो गया तैयार। चलो ठीक है, लाइक वाइक कर देना मेरे भाई, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में।